प्रभु दरबार भक्ति ज्ञान और सेवा का मार्ग। हरिओम हरिओम हरिओम। ओम अजिताय नमः। ओम अपराजिताय नमः। सभी प्रिय प्रेमियों का, सभी सज्जनों का विशेष कार्यक्रम प्रभु दरबार फाउंडेशन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आइए दर्शकों, माँ देवी अपराजिता की अपार कृपा को प्राप्त करें और जीवन में सुख की प्राप्ति करें। इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरुजी। सदा आपका बेटा कल्याण हो। बेटा जल्दी से अपना नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम अंशु कुमार है। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी हम सैजानपुर से बात कर रहे हैं। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। गुरुजी मेरी उम्र 28 साल हो गई है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 1 से गुरु 36 के बीच में गुरु जी? जी गुरु जी 27। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। उमत्ता देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो बेटा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ गुरुजी आवाज आवाज। बेटा घर में बड़ा भय का वातावरण दिखाई देता है, कुछ न कुछ बेटा घर में बीमारी लगी रहती है और परिवार में सभी का स्वास्थ्य खराब रहता होगा बेटा। हाँ गुरुजी बहुत बीमारी रहती है, बहुत इलाज कराओ तो फायदा नहीं। बेटा इसी कारण आप भयभीत रहते हो बेटा। राहु का प्रभाव है बेटा। एक तो आने वाले बुधवार को परिवार के सभी लोगों ने 800 ग्राम बेटा जौ लेने हैं, उसको दूध से धोकर नीले कपड़े में बांध कर बेटा बहते पानी में प्रवाह करना है। इसके अलावा बेटा आसपास किसी मंदिर में रोजाना जाएं, परिवार के सभी लोग मंदिर में गणेश जी को थोड़ी बेटा दूर्वा यानी ताजी हरी घास तोड़कर गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आपको चढ़ाना है। इसके अलावा बेटा हर सोमवार को मंदिर में बेटा बिल्व पत्र चढ़ाएं, जिससे राहु की शांति होती है। और संध्या काल में घर में बेटा आपको रोजाना लाल वट के तेल का दीपक रोज जलाना है और बाजार से थोड़ा लोबान लेकर आएं, कपूर के साथ थोड़ा लोबान जलाकर उसकी धुनी बेटा घर में संध्या काल में आपको बेटा रोजाना देनी है। और परिवार के सभी लोग बेटा गुरु जल का सेवन करें। गुरु जल का सेवन करने से आपको बेटा स्वस्थ जीवन की प्राप्ति होगी और सभी प्रकार के रोगों से बीमारियों से आप बेटा सुरक्षित रहोगे। जिस बेड पे सोते हो उस बेड पर बैठकर बेटा खाना आपने बिल्कुल भी नहीं खाना, इस बात का बड़ा ध्यान रखें। और हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल भी धारण ना करें। उपाय बेटा अवश्य करना, जीवन में सुख और स्वस्थ जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों आप भी इसी प्रकार से हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। आइए दर्शकों एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम गुरु जी। बेटा आपका स्वागत है। बेटा जल्दी से नाम बताओ। गुरु जी मेरा नाम विकास है। विकास बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? मालिकपुर सोनीपत से बात कर रहे हैं गुरुजी। जी अपनी बेटा उम्र बताएं। 36 वर्ष। 1 से लेके 36 के बीच में एक नंबर बोलिए। गुरुजी 5। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। माता का नाम गुरुजी रेखा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा।
हरिओम। बेटा पैसे को लेकर बड़ी बेटा दिक्कत दिखाई दे रही है, किसी पर भरोसा करोगे धोखा मिलेगा, किसी पर विश्वास करोगे तो विश्वासघात होगा आपके साथ। ये बताओ बेटा, धन का भाव पीड़ित है, कर्म आपका पीड़ित, आपका कर्मेश भी पीड़ित है, कर्म करते हो मेहनत का फल नहीं मिलता, इसके अलावा बेटा कहीं बेटा पैसा आपका फंसा हुआ है? जी गुरु जी, मेरे एक मित्र हैं, उनको लगभग मैंने 3-4 साल पहले 5 लाख रुपए दिए थे और उन्होंने अपना कुछ काम शुरू करा था, तो वो उनका काम हो गया बेकार, अभी वो मेरे पैसे फंसे हुए हैं गुरु जी वहाँ, मिल नहीं पा रहे हैं। जिस व्यक्ति से बेटा पैसे लेने, उसका नाम बताओ। उनका नाम दीपक है गुरु जी। जी अभी क्या कह रहे हैं बेटा आपको वो? वही गुरु जी, टाला मटोली चल रही है उनकी, मैं दे दूंगा, मेरे पास है नहीं, मतलब मुझे पता नहीं लग रहा कि मिल भी पाएंगे या नहीं, पैसा फंस चुका है गुरु जी। एक तो बेटा आने वाले शनिवार को 800 ग्राम कच्चा कोयला, 4 सूखे नारियल, ये बहते पानी में बेटा प्रवाह करना। इसके अलावा बेटा घर में जहाँ भी अपना 2 पैसे रखते हो, जो भी आपकी अलमीरा है, जो भी आपका लॉकर है, वहाँ पर आपने क्या करना है बेटा, फ्राइडे शुक्रवार के दिन पंसारी से बेटा थोड़ी लाल रंग की फिटकड़ी लेके आना, गुलाबी या लाल रंग में बेटा फिटकड़ी मिलती है, उसका एक ही बेटा बड़ा टुकड़ा लेके आना है, उसको दूध से धोकर लाल कपड़े में बांध कर फ्राइडे यानी शुक्रवार को अपने घर के धन स्थान पे रखना। इससे बेटा आपको लाभ की अवश्य प्राप्ति हो जाएगी, आपका धन आपके पास अवश्य लौट कर आएगा। अभी बेटा थोड़ा सा समय आपके लिए चिंता वाला है, जैसे ही बेटा अभी थोड़ा शनि बेटा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपको आने वाले समय में आपका डूबा हुआ धन, रुका हुआ पैसा आपको वापस अवश्य मिलेगा। और घर के पश्चिम दिशा में बेटा सरसों के तेल का एक दीपक बेटा संध्या काल में रोज जलाया करो, ये उपाय करें। एक मीठा नमकीन पराठा बेटा घर में रोज बना के उसको तोड़कर बेटा कौवों को डालना है, जिससे आपको जीवन में सुख भी मिलेगा, कार्य सिद्ध होंगे और आपको कभी धन से संबंधित कोई बाधा बेटा नहीं आएगी। बड़े प्रेम से बेटा 3 बार बेटा हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम, सदा कल्याण हो। आइए दर्शकों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम हरिओम। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए। पूजा। कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। अपनी बेटा उम्र बताइए मुझे। 28। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 27। अपनी माता जी का नाम बताओ। सुषमा देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहना। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? जी गुरु जी। बेटा घर में बहुत अशांति और तनाव का माहौल दिखाई देता है बेटा, शुक्र पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, मन विचलित रहता है, मानसिक तनाव से ग्रस्त हो, और सबसे बुरा प्रभाव बेटा पति पत्नी के आपसी संबंधों पर पड़ रहा है, और काफ़ी तनाव की स्थिति चल रही है, ग्रस्ती में काफ़ी तनाव बढ़ा हुआ है बेटा, ऐसा हो रहा है बेटा? जी गुरु जी, बिल्कुल बिल्कुल, जब से शादी हुई है, मतलब जो मेरे हस्बैंड हैं जी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, मतलब तनाव बढ़ता ही जा रहा है घर में, मतलब मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, लेकिन फिर भी कलेश रहता है, क्यों रहता है, क्या रीजन है, कुछ भी समझ में नहीं आता बेटा। बिना बात के आप लोग झगड़ते हो बेटा, गुस्सा आपको भी बहुत आता है, आपके पति को भी बहुत आता है, यहाँ पर बेटा स्वाभिमान की टक्कर दिखाई देती है। इसके लिए बेटा थोड़ा गुरु का उपाय करो, एक तो बेटा चमेली के पुष्प और गंगा जल गुरुवार के दिन मंदिर में जाके बेटा आप शिवलिंग पर चढ़ाया करो, शुक्र को प्रबल करने के लिए पति पत्नी दोनों को माथे पर बेटा दही का नित्य दिन तिलक लगाना है, और 2 मुखी रुद्राक्ष बेटा बाजार से कहीं से प्राप्त करें, सोमवार के दिन गंगा
गंगा जल कच्चे दूध से धोकर पति पत्नी दोनों को बेटा दो मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करने चाहिए और बेटा 5 शुक्रवार मंदिर में थोड़ी इलायची और जायफल का आप दान करें। ऐसा करने से जीवन सुखमय होगा और जीवन में आनंद की प्राप्ति होगी। पति पत्नी में जो सामंजस्य का अभाव चल रहा है वो दूर हो जाएगा। आप एक बेटा शुद्ध पीताम्बरी पुखराज रत्न भी अवश्य धारण करें जिससे बेटा एक गुरु की कृपा से बृहस्पति की कृपा से पाप और क्रूर ग्रहों का प्रभाव भी समाप्त हो जाएगा। जिस बेड पर बेटा सोते हो उस बेड पर बैठकर आपको खाना बिल्कुल भी नहीं खाना। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। हरिओम हरिओम सदा आपका कल्याण हो। जब मनुष्य के पास अपना धन होता है तो दूसरे भी मुंह मोड़ लेते हैं। जैसे कमल जल में खिलता है सूर्य भी उसे और विकसित करता है, लेकिन जब जल ही सूख जाए तब मुरझाए हुए कमल को सूर्य भी विकसित नहीं कर पाता। इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें। तो आइए दर्शकों इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। यदि आपकी कोई स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत चल रही है, आपको खाया पिया हजम नहीं होता, आपको अपने पेट से संबंधित कोई भी यदि विकार है, वो कहते हैं ना यदि पेट स्वस्थ है तो आदमी स्वस्थ और दीर्घायु है, और शरीर में कहीं भी कोई बीमारी उत्पन्न होती है चाहे वो आपको डायबिटीज़ की बीमारी हो, चाहे लिवर की बीमारी हो, चाहे खून की कमी की बीमारी हो, चाहे आपको पेट से संबंधित कोई भी रोग हो, चाहे वो किडनी रोग हो, पथरी रोग हो, चाहे आपका बीपी अप डाउन रहता है, चाहे शुगर बढ़ जाती है, तो उसका मुख्य कारण जो है वो आपका पेट होता है। तो पेट को स्वस्थ करने के लिए दर्शकों हम आपके लिए लाए हैं ये सिद्ध संजीवनी किट। ये हेल्थ किट है, इसको प्राप्त करें। यदि आपको खाया पिया नहीं लगता तो इसका सेवन करें। इसका सेवन करने से रूखी सूखी रोटी भी खाएंगे तो भी आपकी सेहत बनेगी और आपका सौंदर्य बढ़ता चला जाएगा। इसका सेवन करें। ये ऐसी अद्भुत औषधि है संजीवनी किट जो आपको पेट के तमाम रोगों से निजात देगी। 51 से अधिक प्रकार के रोगों से आपको निजात मिल सकती है। आपकी पाचन शक्ति इतनी मजबूत हो जाएगी, आपकी जठर अग्नि इतनी बढ़ जाएगी, आप तमाम रोगों से निजात पा सकते हैं। इसका सेवन करें, जीवन को सुरक्षित बनाएं। इसमें ऐसी अद्भुत औषधि है जिसका सेवन करने से आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति कई गुना बढ़ जाती है और तमाम अदृश्य बीमारियों से भी आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं। ओरिजिनल संजीवनी किट प्राप्त करने के लिए अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम बेटा, मुझे सुन पा रहे हो बेटा? आप कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? मैं जयपुर से बात कर रही हूँ गुरुजी। बेटा अपना पूरा नाम बताइए। कोमल, कोमल नाम है मेरा। कितने वर्ष के हो बेटा आप? 32 साल के हैं। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम है रोहिणी देवी। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा, फोन नहीं काटना। हरिओम हरिओम। बेटा घर में बीमारी है, पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं है। आने वाला समय और वर्तमान का वर्ष घर में बेटा बहुत बड़ा संकट दिखाई देता है। ये बताओ बेटा अभी आपके पति भी अस्वस्थ रहते हैं? गुरु जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या नाम है बेटा आपके पति का? मेरे पति का नाम है सुरेश जी। अभी बेटा कुछ स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है बेटा आपके पति के? बिल्कुल बिल्कुल स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही है, बहुत ज्यादा आर्थिक हालत भी बहुत खराब है हमारे घर की। कुछ बुखार को कोरोना भी हो गया पति को? कोरोना भी हो गया बेटा? बुखार है बेटा आपके पति को? हाँ जी गुरु जी बिल्कुल है।
बेटा एक काम करना बेटा, सबसे पहले पति का एक आज उतारा करना है आपको। आपको बेटा बाजार से एक फिटकड़ी का चकोर टुकड़ा लेके आना है आज रात्रि को बेटा 11 से 12 बजे के बीच में। उस फिटकड़ी के टुकड़े को अपने पति के शरीर से, पूरे शरीर से 7 बार सीधा वारना है और उसको अपने घर की रसोई में जाकर बेटा तवा आप चूल्हे पर रखें, तवा गर्म करें, गर्म तवे पर बेटा उस फिटकड़ी को आपने जलाना है। जब फिटकड़ी पूरी तरह जल जाए, फूल जाए, उसको उठा के आपको बाहर जाकर बेटा चौराहे पर रख के आना है। और ये बात का ध्यान रखना है, ये प्रक्रिया आपको बेटा 3 सप्ताह अवश्य करनी है। 3 सप्ताह? हाँ बेटा। दूसरा बेटा, अपने पति के हाथ से 8 किलो जौ आपको आने वाले बुधवार को जल प्रवाह करना है बेटा। ये उपाय कर देना बेटा। और गुरु जल आपको अवश्य प्राप्त करना है संसार से। परिवार के सभी लोग गुरु जल का सेवन करें, जिससे आप लोग स्वस्थ रहोगे, सुखी रहोगे। घर के पूजा के स्थान पर आने वाले सोमवार को आपको बेटा एक कांच की बोतल में गंगा जल भर के रखना है बेटा। और बेटा उस गंगा जल को एयर टाइट बेटा ढक्कन बंद करके रखना, जिससे बेटा आपके घर में बरकत आनी शुरू हो जाएगी, पैसा बीमारियों पर बिल्कुल भी नहीं जाएगा। बेटा बड़े प्रेम से 3 बार हरिओम बोलिए बेटा। सदा आपका कल्याण हो। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में, जल्दी से बेटा अपना नाम बताओ। गुरुजी राहुल नाम है मेरा। राहुल बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? गुरुजी दिल्ली बुराड़ी से बात कर रहा हूँ। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। गुरुजी 28 वर्ष है जी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। गुरुजी 14। अपनी माँ का नाम बताओ। गुरुजी विमला देवी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय का उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। बेटा कुछ रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर परेशान दिखाई देते हो बेटा। पिछले कुछ दिनों से काफी मानसिक तनाव चल रहा है। कोरोना की वजह से नौकरी चली गई है मेरी। कोरोना की वजह से नौकरी चली गई है बेटा? हाँ जी। प्राइवेट नौकरी करते हो बेटा? हाँ जी हाँ जी, प्राइवेट नौकरी। मालिक ने निकाल दिया बेटा आपको, ऐसा ही है बेटा? हेलो। हाँ जी गुरु जी। अच्छा बेटा ये बताओ, कुछ कर्ज भी हो रहा है आपके ऊपर? हाँ जी। कर्ज कर्ज हो रहा है बेटा? कर्ज 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 गुरुजी बहुत है गुरुजी। घर में गुरुजी एक बच्चा है, वो भी बहुत बीमार है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा इस समय काफ़ी चिंता की स्थिति है आपके ऊपर और ये वर्ष आपके लिए काफ़ी परेशानी वाला है। लेकिन आप चिंता ना करें, माँ अपराजिता की कृपा से आपको आपका मालिक जल्दी अवश्य बुलाएगा। कुछ उपाय दे रहा हूँ, उसको बड़े ध्यान से कर लेना, जिससे आपको अति शीघ्र लाभ की बेटा प्राप्ति हो जाएगी। आपको बेटा करना क्या है, सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, कहीं से थोड़े से कच्चे कोयले की व्यवस्था कर लीजिए, उसको काले कपड़े में बांध कर आने वाले बेटा बुधवार या शनिवार के दिन उसको सिर से 7 बार वार कर, या तो बेटा उसको कहीं सुनसान धरती पर किसी वीरान जगह पर जाके ज़मीन में दबा देना, और नहीं तो आसपास कोई तालाब हो या कहीं बहता पानी हो आप उसको वहाँ भी जाके पानी में प्रवाह कर सकते हैं। सुबह बेटा आप घर में रोज एक घर में बेसन की रोटी अवश्य बनाया करो। उस बेसन की रोटी पर हल्का सा छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख कर वो रोज़ाना बेटा आपको
आपको जो है गाय माता को अवश्य खिलाना है। ये उपाय बेटा आप कर लेना। इसके अलावा बेटा आपको क्या करना है, सुबह शाम घर में जटा मासी की बेटा थोड़ी धूनी अवश्य देनी है। बेटा किसी पंसारी की दुकान से थोड़ी जटा मासी प्राप्त कर लीजिए और कपूर से थोड़ी धूनी जलाकर संध्या काल में उसकी धूनी पूरे घर में लगाएं। ऐसा करने से लाभ की प्राप्ति आपको अवश्य हो जाएगी। सीधे हाथ की बेटा अनामिका उंगली के अंदर आपको एक शुद्ध तांबे का छल्ला आने वाले मंगलवार को धारण करना है। ये बेटा ज़्यादा लंबी समस्या नहीं है आपके जीवन में, आप ये उपाय कर लेना। वैसे तो पूरा वर्ष ही थोड़ा सा अरिष्टकारी है, लेकिन ये जो उपाय आपको दे रहा हूँ मात्र बेटा 1 से 2 सप्ताह के अंदर ही आपकी खोई नौकरी आपको अवश्य प्राप्त हो जाएगी और आपको जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। बेटा जल्दी से 3 बार हरिओम बोल दो बेटा। हरिओम हरिओम हरिओम। सदा आपका कल्याण हो। प्रिय दर्शकों, आप भी इसी प्रकार से अपनी समस्याओं का समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से ले सकते हैं। मैं बड़ा स्वागत करता हूं। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान लेना है और आप कॉल करेंगे, हम आपकी कॉल अवश्य इस कार्यक्रम से जोड़ेंगे। तो आइए दर्शकों कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, एक और प्रियजन को इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। बेटा मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, हाँ जी। जल्दी से बेटा अपना नाम बताइए बेटा। गुरु जी मेरा नाम मोनिका है। मोनिका बेटा कहाँ से बात कर रहे हो बेटा? काशीपुर उत्तराखंड से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र 28 वर्ष है। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलिए। 7। अपनी बेटा माँ का नाम बताएं। मेरी माँ का नाम उर्मिला देवी है गुरु जी। 3 बार बेटा बड़े प्रेम से ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिए, फोन नहीं काटना। बेटा सुन पा रहे हो मुझे आप? हाँ जी गुरु जी। बेटा एक तो घर में बरकत नहीं है, वर्तमान का वर्ष घर में बीमारी वाला है बेटा, बरकत नहीं हो पाएगी, नौकरी की समस्या रहेगी, सूर्य पीड़ित है कुछ बेटा। पिताजी आपके अस्वस्थ रहते हैं बेटा? गुरु जी क्या कह रहे हैं? बेटा जी, बेटा घर में कुछ बीमारी रहती है, पिताजी अस्वस्थ रहते हैं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मेरे पिताजी को सांस लेने में दिक्कत सी हो रही है, हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने कोरोना का टेस्ट भी कराया लेकिन उसके अंदर कुछ आया नहीं जी। बेटा समझ ही नहीं आ रहा कि बेटा पिताजी कितने वर्ष के हो गए हैं आपके? मेरे पिताजी की उम्र होगी, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, होगी 50 के आसपास। पिताजी का बेटा पूरा नाम बताएं। मेरे पिताजी का नाम है रमेश सिंह जी। बेटा एक काम करना बेटा, आपने एक विशेष उपाय करना है बेटा। एक तो पिताजी को बोलना बेटा रोजाना बेटा तांबे के बर्तन से पानी पीना शुरू कर दें। तांबे का बेटा लोटा रात को जल का भर के रखना है और सुबह उठते ही खाली पेट जितना पानी पी सके पिए और पूरा दिन तांबे के बर्तन से तांबे में रखा हुआ जल का ही उनको सेवन करना है। और उनको ये बोलना बेटा किसी प्रकार का बेटा दूध दही या किसी ठंडी वस्तु का सेवन बिल्कुल भी ना करें, बुध और चंद्रमा का बेटा दोष है। इसके अलावा बेटा कहीं से जैसे ही बेटा बीमारी आपकी थोड़ी ख़त्म हो जाती है तो आप कहीं से बेटा एक तांबे का कड़ा बनवा लीजिए और अपने पिताजी को सीधे हाथ में तांबे का शुद्ध कड़ा, ठोस कड़ा, वो कड़ा अंदर से खोखला नहीं होना चाहिए, तांबे का कड़ा बेटा आने वाले मंगलवार को गंगा जल कच्चे दूध से धोकर आप उनको बेटा धारण करवा दीजिए, जिससे अतिशीघ्र लाभ की प्राप्ति होगी। इसके अलावा बेटा किसी श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण को बुला के घर में एक बार दूध से सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करवाना है और थोड़े से बेटा आपके पिताजी को साबुत मूँग की दाल संध्या काल में रोजाना बेटा एक कटोरी पानी में थोड़ी मूँग की दाल भिगो के रखनी है
और सुबह सुबह उठकर जल्दी से उसको वो पक्षियों को डालकर आएं जिससे उनको लाभ की प्राप्ति होगी। रत्नों के अंदर बेटा शुद्ध पन्ना रतन और एक मुखी रुद्राक्ष बेटा उनको अवश्य धारण करना चाहिए। इसके अलावा बेटा उनको मैं आपके पिताजी के स्वस्थ जीवन के लिए गुरुजल यहाँ से बेटा अवश्य भेजूँगा। इस गुरुजल का उनको दिन में 4 बार सेवन करना है जिससे श्वास संबंधी दिक्कत बिल्कुल समाप्त होगी और उनकी रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी और आपके पिताजी बेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। अभी बेटा इस कार्यक्रम को देखते रहिएगा। इस कार्यक्रम के उपरांत आपको एक विशेष गुप्त उपाय भी प्रदान किया जाएगा। तो प्रिय दर्शकों आप भी इस कार्यक्रम को इसी प्रकार से देखते रहिए और यदि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ना है तो टीवी स्क्रीन पर अभी जो नंबर देख रहे हैं इन्हीं नंबर पर आपको कॉल करनी है और आपकी हम कॉल इस कार्यक्रम से अवश्य जोड़ेंगे। आइए दर्शकों हमारा ये लाइव प्रोग्राम है, माँ देवी की कृपा को प्राप्त करते हैं, कुछ प्रियजनों को कार्यक्रम से जोड़ते हैं। हरिओम। हरिओम बेटा आपका स्वागत है कार्यक्रम में। जल्दी से बेटा अपना पूरा नाम बताइए। गुरुजी मेरा नाम रागिनी है। रागिनी बेटा कहाँ से बात कर रहे हो? गोरखपुर से। अपनी बेटा मुझे उम्र बताएं। मेरी उम्र 25 ईयर्स। अपनी बेटा माँ का नाम बोली। मेरी माता का नाम शांति देवी है गुरुजी। 1 से लेके 36 के बीच में बेटा एक नंबर बोलो। 17। 3 बार बेटा ओम नमः शिवाय बोलो बेटा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेटा फोन पर बने रहिएगा। हरिओम। हरिओम गुरुजी। बेटा घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, बहुत ही नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है जिसके कारण बेटा आपके परिवार में बहुत ज़्यादा परेशानी का आपको सामना करना पड़ता है। कुछ पति बेटा बीमार रहते हैं। हाँ जी गुरुजी, हाँ जी। घर में बेटा बहुत ज़्यादा कलेश रहता है बेटा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और बेटा घर में कुछ बेटा मुझे तंत्र बाधा दिखाई देती है बेटा। आपको कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ बेटा कि आप लोग पूजा पाठ करते हो उसका भी आपको बेटा बिल्कुल फल नहीं मिलता? बहुत ज़्यादा बेटा मानसिक तनाव रहता है, घर की सुख शांति बेटा बिल्कुल भंग हो रही है, पैसे की बरकत बिल्कुल भी नहीं है और इसके कारण बेटा आप बड़े परेशान रहते हो बेटा। और यही बड़ी समस्या आपके जीवन की है कि आप बेटा कुछ भी करो, किसी के लिए अच्छा करते हो तो किसी चीज़ में आपको कोई भी लाभ नहीं मिलता। और बहुत ज़्यादा समस्या ये है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा बेटा कला कलेश भी रहता है बेटा। अच्छा ये बताओ बेटा, कभी सिर में भारीपन, कभी पैरों में कमर में दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है बेटा? हाँ जी गुरु जी बिल्कुल होता है। रात को ढंग से सोते नहीं हो? बिल्कुल सर, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है गुरु जी, बहुत ज़्यादा। बेटा घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का बेटा दीपक आपको नित्य दिन जलाना है, ये अपना बेटा नियम बना लीजिए। दूसरा बेटा एक आपको विशेष उपाय करना है जिससे आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, आपका जीवन बेटा सुखों से परिपूर्ण होगा। आने वाले बुधवार को 8 किलो बेटा आपको जौ लेने हैं, उस जौ पर बेटा थोड़े दूध के छींटे लगा देना, उसको बेटा काले कपड़े में बांध कर बुधवार के बेटा बहते पानी में सूर्यास्त से पहले पहले ये आपको बेटा प्रवाह करना है। बाजार से बेटा एक गोमेदक रतन ले लेना, उस रतन को गंगाजल कच्चे दूध से धोकर कुछ दक्षिणा साथ में रखकर ये आपको बेटा किसी मंदिर में जाके ब्राह्मण को दान करना है। ये उपाय बेटा आप अवश्य करिए जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। घर के पश्चिम दिशा में सरसों के तेल का या लाल वट के तेल का बेटा दीपक आप नित्य दिन जलाएं। रात को घर में रसोई बिल्कुल साफ करके सोना है, जिस बेड पर सोते
सोते हो उस बेड पर बैठकर कभी भी आप खाना ना खाएं। इन बातों का बेटा बड़ा विशेष ध्यान रखना है, जिससे आपको जीवन में सुख अवश्य मिलेगा। हाथों की उंगलियों में सोना बिल्कुल बेटा नहीं पहनना। बड़े प्रेम से बेटा तीन बार बेटा हरिओम बोल दीजिए। हरिओम हरिओम हरिओम, सदा आपका कल्याण हो। तो दर्शकों, यदि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं, यदि आपकी कॉल इस कार्यक्रम से नहीं लगी है, तो चिंता ना करें, आप हमें अभी इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। हम आपको अवश्य आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। और आज के लिए हम यहीं पर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। कल इसी समय आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बड़े प्रेम से तीन बार बोल दीजिए, हरिओम हरिओम हरिओम, ओम अजिताय नमः, ओम अपराजिताय नमः, जय मां भवानी की। प्रभु दरबार, भक्ति, ज्ञान और सेवा का मार्ग।